बहुत अच्छे ढंग से हम विजय प्राप्त करेंगे। जय और वीरू की जोड़ी की बात की जा रही है, ऐसा हो रहा है आज? बिल्कुल। क्या लगता है अलवर किस तरह से साथ दे रहा है? देखिए, जनता का उत्साह खूब है, कार्यकर्ता मन से लगे हुए हैं, पूरी उम्मीद है हमको कि इस बार सफलता मिलेगी और रामगढ़ में कमल खिलेगा। मैं सबको साथ लेकर, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, जनता का आशीर्वाद है और भावात्मक रूप से लोग जुड़े हुए हैं। सर, 30,000 से ज्यादा मतों की जीत की बात की भूपेंद्र जी ने, क्या लगता है अलवर किस तरह से साथ दे रहा है? देखिए, जनता का उत्साह खूब है, कार्यकर्ता मन से लगे हुए हैं, पूरी उम्मीद है हमको कि इस बार सफलता मिलेगी और रामगढ़ में कमल खिलेगा। लोगों का कहना है कि सरल व्यक्तित्व के हैं, 15 साल से आप काम कर रहे हैं और पक्षपात की राजनीति मिटाएंगे, क्या विजन है आपका? देखिए, मैं तो काम करना जानता हूँ, आगे जनता फैसला करती है कि मुझे कैसा देखती है। मैं सबको साथ लेकर, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, जनता का आशीर्वाद है और भावात्मक रूप से लोग जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी ने कहा है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता आपको 30,000 से ज़्यादा वोट दिलाएंगे, रामगढ़ का माहौल बदलता हुआ दिख रहा है इस बार आपको? बिल्कुल, आप देख रहे हैं माहौल, अब सुबह से चौथी सभा है, इसमें सभी कार्यकर्ताओं ने जो मन से मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरा भी मनोबल बढ़ा है। और जय और वीरू की जोड़ी की बात की जा रही है, ऐसा हो रहा है आज? बिल्कुल, सभी साथ हैं, एकजुट हैं और सभी प्रत्याशी जो जय उजा के अलावा भी और मांग रहे थे, उनका भी आशीर्वाद है, सभी साथ खड़े हैं। तो ये हैं सुखवंत सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि खुश है तमाम सारे कार्यकर्ता और खुशी से हमारे को वोट देंगे। और मंत्री भूपेंद्र सिंह जी भी 30,000 से ज़्यादा वोट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, बहुत ही प्रचुर मात्रा में सारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं में माहौल है। और सर, पक्षपात की राजनीति से परेशान था रामगढ़, अब कैसे दूर होगी राजनीति? बहुत अच्छे ढंग से हम विजय प्राप्त करेंगे। तो यहाँ लगातार कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरह से एक ही बात उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अब पक्षपात की राजनीति को मिटाया जाएगा। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए संवाद, भारत का भारत के लिए।